हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज फाइनली मैं जिस स्ट्रेटजी में जिस सेटअप पर काम करता था उस सेटअप का मैंने एल्गो में कन्वर्ट कर दिया है। जी हाँ गाइस, आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज काफ़ी दिनों की मेहनत और काफ़ी दिनों की लगन के बाद ये सारी चीज़ें हो पाई हैं। ये जितने भी आप ट्रेड हमारे देखते हो, जिसमें प्रॉफिट हो लॉस हो, जो भी लेवल्स देखते हो, जितने भी ट्रेड देखते हो, ये सेम सेटअप को हमने सेम टू सेम एल्गो में कन्वर्ट कर दिया है। आइए थोड़ा सा उसके बारे में हम समझते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो अभी आप टाइम देख सकते हो कि अभी 10 बज रहे हैं और आज है संडे का दिन, इसलिए सारे इंडियन मार्केट तो बंद है। तो इसको मैं दिखाने के लिए आपको क्रिप्टो के मार्केट में लगा करके दिखाता हूँ सिंपली, ठीक है। अभी देख सकते हो, अभी मैंने सारे इंडिकेटर को हटा दिया है, तो कुछ इस तरह का चार्ट मेरे को दिख रहा है बना हुआ। लेकिन जैसे ही मैं अपना ये बीइंग ट्रेडर टॉप बॉटम स्ट्रेटजी को अप्लाई करूँगा, वैसे ही आपको चार्ट में छोटे छोटे आपको एरो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आइए थोड़ा सा मैं समझाने का आपको ट्राई करता हूँ। देखिए, सबसे पहले टॉप बॉटम स्ट्रेटजी, जैसा कि आप अगर आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप लोग को पता होगा कि मैं हमेशा जैसे टॉप बनता है तो यहाँ पर मेरा जो व्यू होता है वो डाउन का होता है और मैं सेल करने का ट्राई करता हूँ। जहाँ पर भी बॉटम बनता है वहाँ पर मेरा जो व्यू होता है वो अप का होता है और वहाँ पर मैं बाई करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो इंडिकेटर है ये कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर मार्केट, जैसे ये ग्रीन छोटा सा एरो देख रहे हैं आप, अगर ये ग्रीन एरो का मतलब ये है, ग्रीन स्मॉल एरो का मतलब कि हमें रेडी रहना है, मतलब हमारा जो व्यू रहेगा वो व्यू रेडी है अप का, ठीक है, अप साइड का व्यू रेडी है। और जैसे ही ये ब्लू एरो मिलेगा ऊपर के साइड का, तो आपका ये मानना है कि आपका जो अप साइड की एंट्री है वो कंफर्म हो चुकी है, ठीक है, मतलब आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एग्जांपल के लिए यहाँ पर बॉटम में सबसे पहले छोटा सा ग्रीन एरो बना और ग्रीन एरो बनने के बाद एक ब्लू एरो बना, तो यहाँ पर हमारी एंट्री कन्फर्म होगी। ग्रीन एरो बनने पर केवल केवल व्यू रेडी है अप साइड का, लेकिन एंट्री आपकी नहीं है। जैसे ही लेकिन ग्रीन एरो बनने के बाद अगर एक ब्लू एरो बनता है अप साइड का, तो आपकी वहां पर अप की एंट्री कंफर्म हो जाएगी और मार्केट वहां से एक अप साइड का मूवमेंट दे सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं, देख सकते हो कि आप पहले तो ये रनिंग मार्केट है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर लाइव मार्केट चल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ बिटकॉइन की, क्योंकि क्रिप्टो में वही सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, यहाँ पर मैं BTC सर्च कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं किसी भी क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स मार्केट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें काम करना है तो आपको इंडियन गवर्नमेंट की लॉ को देखना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें अपने अकॉर्डिंग देख लेना क्या है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, अब देखो बिटकॉइन में आप देख सकते हो कि रनिंग मार्केट चल रहा है, यहाँ पर 42,306 के आसपास चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये लाइव मार्केट है। अब देखो, जैसे कि मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ, यहाँ पर भी हमारी स्ट्रेटजी लग चुकी है, हमने अपने स्ट्रेटजी को हटाया और लगा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आज के दिन पर क्या हुआ है, आज के दिन पर एक स्मॉल सा रेड एरो यहाँ पर बना हुआ है। तो ये रेड एरो बना है मतलब यहाँ से क्या है, आपका जो व्यू है वो डाउन का व्यू रेडी है, बट यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। एंट्री कब करनी है, जब भी इसके आगे ब्लू रंग की एरो बनेगा डाउन की तरफ का तब, ठीक है। लेकिन यहाँ से मार्केट में एंट्री नहीं बनी, मार्केट ऊपर चलेगा। फिर आप देखोगे, फिर यहाँ पर टॉप पर बन गया रेड एरो छोटा सा, उसके बाद आपको देख सकते हो कि ब्लू एरो मिल गया, मतलब यहाँ पर आपकी एंट्री कन्फर्म होगी और ये टॉप पर एंट्री मिल गई और मार्केट एक बहुत ही अच्छा खासा डाउन साइड का भी मूवमेंट दिया हुआ है। और गाइज ये कुछ नहीं है, ये सब का सब जो मैं सिस्टम काम कर रहा हूँ, जिस स्ट्रेटजी पर मैं काम करता हूँ, उसी का ऑटोमेटेड वर्जन है जिसको मैंने कोड करके रखा हुआ है। यहाँ पर अगर आपको मैं अपना जो लेवल वाला इंडिकेटर है लगा के दिखाऊँ तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर DRA लेवल है और आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि अगर जितने भी रेड लेवल होते हैं वहाँ से हमारा जो व्यू होता है वो डाउन का होता है और उसी पर टॉप पर हमारी एज पर रूल यहाँ पर एंट्री बन गई और आपको एरो के हिसाब से मार्केट डाउन जाता हुआ दिख दिया। इसके आगे हम समझेंगे कि ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, उसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ और चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। तो देखो, कल से मैं क्या करूँगा, कल मार्केट ओपन होगा तो कल से मैं रेगुलर इसके अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। उसके लिए मैं एक नया टेलीग्राम चैनल भी बना दूंगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैं डेली बैंक निफ्टी का आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इस स्ट्रेटजी में जो भी टॉप बॉटम स्ट्रेटजी है वहां पर हमारी एंट्री कहां पर बनी, कितना प्रॉफिट हुआ, SL गए तो कितने गए, सारी चीज़ों को आप ट्रैक कर पाओगे। हर दिन का चीज़ें अपडेट आपको मिलेगा वहाँ पर।
इसके लिए कुछ रूल्स है, रूल्स भी आप समझ लो, आपको डेली लाइफ में भी काम आएंगे अपने, अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। सबसे पहले देखो हम डेली क्या करेंगे, डेली ओनली ओनली वन ट्रेड करेंगे। अगर पहला ट्रेड हमें प्रॉफिट हो गया तो फिर हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे उस दिन में, ये हमारा रूल है। अगर मान लो किसी कंडीशन में पहले ट्रेड में आपका एसएल चला गया, तभी हम दूसरा ट्रेड करेंगे सेकंड वाला, और अगर हम सेकंड ट्रेड करेंगे तो ट्राई करेंगे कि सेकंड ट्रेड 10 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करें। पहला ट्रेड तो 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट किसी पर भी मिल जाएगा, हम कर लेंगे, लेकिन सेकंड ट्रेड अगर मिलेगा एसएल जाने के बाद तो 10 या 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम प्रीफर करेंगे। और मान लो किसी दिन किसी कारणवश दोनों में एसएल चले गए तो फिर उस दिन हमें कोई ट्रेड नहीं करना। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा रूल है जिससे आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। बिकॉज गाइज मैं आपको बता दूं कि डेली एक ही ट्रेड इनफ है, एक ही ट्रेड में मैक्सिमम टाइम जैकपॉट आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी सेम रूल पर देखो, अब चाहे मार्केट गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए या साइडवेज हो जाए या फिर बजट आ जाए या फिर कोई न्यूज आ जाए या फिर कुछ इवेंट हो जाए, हमारे जो रूल्स हैं वो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होंगे। हर एक तरह के मार्केट में इसी सेम स्ट्रेटजी को मैं टेस्ट करके आपके साथ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आप ये मत सोचना कि मैं आपको ड्यूरिंग द मार्केट आपको टिप देने वाला हूँ, क्योंकि मैं कभी भी किसी को किसी भी टाइप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं टिप्स कॉल नहीं देता, ना ही मैं कोई अकाउंट हैंडलिंग सर्विस चलाता हूँ। अगर आपको मेरे नाम पर कोई ऐसा कर रहा है वो फ्रॉड है, उन स्कैमर से बचो। और इसकी सारी अपडेट जो टेलीग्राम पर है वो मैं मार्केट बंद होने के बाद आपको दे दूंगा, ताकि आपको लर्निंग पर्पस से वो सारी चीज़ें समझ में आए। अब आइए बात कर लेते हैं कि ये स्ट्रेटजी ये सिस्टम आपको कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं ये स्ट्रेटजी मैं सिस्टम आपको देने आपको सिखाने आपको बताने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं आखिर क्या हूँ, कौन हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं बिलोंग करता हूँ यूपी से, और हमने अपनी स्कूलिंग में मैथ सब्जेक्ट लिया हुआ था, बहुत ही मैथ के प्रति मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैं 10th एंड 12th में मैथ का टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन में बीकॉम से किया हुआ है, देन हमने एमबीए किया हुआ है फाइनेंस एंड मार्केटिंग से। इसके अलावा हमने एनएससी सर्टिफाइड फिनेंशियल एजुकेशन सर्टिफिकेशन का कोर्स कर रखा हुआ है। अब वहीं बात कर लेते हैं मार्केट में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो मार्केट में मैं आज 5 सालों से भी ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, और इन 5 सालों में हमने बहुत ही सारी स्ट्रेटजी सिस्टम सेटअप कोर्सेस सेमिनार वेबिनार टेक्निक रिसर्च काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा, सैकड़ों हजारों चीज़ों को सीखा, उस पर अपने पैसे टाइम दोनों को इन्वेस्ट किया, उस पर काफ़ी प्रैक्टिस की रिसर्च किया, एंड फाइनली मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को छोड़ा भी है। ऐसा नहीं है गाइस कि जहाँ से भी आप समझोगे उस भी समझोगे हर एक चीज़ काम ही करेगी। हमने हजारों चीज़ों में से कुछ चीज़ों को यूज लिया हुआ है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जिसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ईजिली एंड बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, जिसको मैं अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इस्तेमाल करता हूँ, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यूज करता हूँ, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अब रही बात ये आपको इंडिकेटर वाली स्ट्रेटजी या फिर यूँ बोलूँ कि ये सारी चीज़ें आपको आप टॉप बॉटम कैसे पकड़ सकते हो, देखो तो उसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम लेवल्स निकालने, सेम टू सेम स्ट्रेटजी, सेम टू सेम एंट्री, जैसा कि आपको इस इंडिकेटर में दिखाया गया है। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपको हमारे सारे ट्रेड्स में देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपको लेवल्स निकालना सिखाता हूँ, जो मैं खुद निकालता हूँ, जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ, अगर आपको वो सारी चीज़ें सीखनी है इंक्लूडिंग ये जो आपको इंडिकेटर में दिख रहा है ये सारी चीज़ें सीखनी है, तो आपको उसके लिए हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्रैक द मार्केट कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। इसमें मैं वो सारी चीज़ें डिटेल में A to Z चीज़ों के साथ जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मैं कि आखिर ये कोर्स क्यों करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इन प्रॉब्लम का समस्या का से सामना कर रहे हो देन ये आपके लिए कोर्स बना हुआ है। अगर आप मार्केट में आपको कोई परफेक्ट व्यू नहीं बन पा रहा है, आपको ना एंट्री का पता चल रहा है ना एग्जिट का पता चल रहा है, आप रैंडमली ट्रेड कर रहे हो, कभी कुछ ब्रेकआउट पर काम कर लेते हो तो कभी कोई ट्रेड लाइन ब्रेक होने पर काम कर लेते हो तो कभी कुछ इंडिकेटर लगा के काम करते हो, ऐसे रैंडमली अंधाधुंध काम कर रहे हो,
देन ये आपके लिए कोर्स बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। आपकी अगर एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा कम है तभी भी आपके ये कोर्स जो है वो आपके लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा, बिकॉज इसकी जो सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। एंड अगर आपके बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं, अगर आप बाई कर रहे हो मार्केट में से नीचे चला जा रहे हैं, आप सेल कर रहे हो मार्केट में से ऊपर चला जा रहा है, आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जा रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, आपको ट्रेड करने का मन नहीं कर रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, देन आप ये चीज़ें ज्वाइन कर सकते हो। आप ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रेटजी सीख चुके हो, बट अभी तक प्रॉफिटेबल बनने का कोई राइट जगह राइट तरीका आपको नहीं मिल पाया है, तो भी ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आपका मार्केट में एकदम कॉन्फिडेंस ही लो हो गया, आप मार्केट में काम ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि देखो जब भी किसी को भी बार बार लॉस होगा तो उसका कॉन्फिडेंस जाहिर सी बात है कि कम होगा, ठीक है। उसके लिए कॉन्फिडेंस कम है, उसके लिए आपको सही चीज़ें पता करनी पड़ेगी। जिस भी सेटअप की एक्यूरेसी अच्छी होगी, लॉसेस छोटे होंगे, प्रॉफिट करने के ज़्यादा चांसेस होंगे, वहाँ पर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। आइए थोड़ा समझ लेते हैं इस कोर्स के बाद आपको और कोई स्ट्रेटजी और कोई कोर्स करने की जरूरत पड़ेगी क्या, तो आंसर है नहीं। आपको कोई भी अलग से अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो कोई भी मल्टीपल स्ट्रेटजी सीखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई साहब गैप अप में कुछ अलग लगा रहे हो, गैप डाउन में कुछ अलग लगा रहे हो, न्यूज में कुछ अलग लगा रहे हो, ना ही किसी भी अदर कोर्स को करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप इसमें ए टू जेड सब सीख जाओगे। देखो मार्केट ना आपको बता करके ऊपर जाएगा ना आपको बता करके नीचे आएगा, आपके पास कला होनी चाहिए कि मार्केट ऊपर जाने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर बाई करना है, और मार्केट नीचे जाने से पहले आपको पता चलना चाहिए कि आपको यहाँ पर सेल करना है, तभी आप उस मार्केट का बेनिफिट उठा पाओगे। अदरवाइज बंद मार्केट में अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलती हुई दिखेंगी, लेकिन लाइव मार्केट में चीज़ें अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो दिन उसका कोई भी यूज नहीं है। इस कोर्स के बाद आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा, OI, ग्लोबल मार्केट, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोग बहुत सारा चार्ट लगा कर देखते हैं, बहुत सारे डेटा को रीड करते हैं, ये सारी चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। आप इन डेटाओं के अलावा भी टॉप बॉटम पकड़ सकते हो, जैसा कि मैं रेगुलर करके दिखाता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है गाइस, जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है गाइस कि जो लेवल्स मैं खुद निकालता हूँ, जो एंट्री मैं खुद करता हूँ, उसको एकदम सेम टू सेम आप इस कोर्स को करने के बाद कर सकते हो, और वो काफ़ी ज़्यादा ईजी भी है। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन इसे ज्वाइन कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एनीवन, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आपका मार्केट में एक्सपीरियंस है, चाहे आप ऑप्शन सेलर हो या ऑप्शन बायर हो। काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। देखो जब अगर आपको मार्केट का पता होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, और जब आपको पता होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करोगे तो भी प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सेल करोगे तो भी प्रॉफिट होगा। अगर आपको मार्केट का पता होगा देन आप कुछ भी करके प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन जब मार्केट का ही नहीं पता होगा तो आप ऑप्शन बाइंग करो चाहे सेलिंग करो, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट आएगा तो आपको नुकसान होगा ही होगा। तो इसको ऑप्शन सेलर हो वो भी कर सकता है, ऑप्शन बायर हो वो भी कर सकता है। और जो सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि एक महीने की कोर्स की वैलिडिटी होती है, जिसमें जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद तुरंत ही आपको सारे कोर्स के वीडियो मिल जाएंगे, और एक महीने में आपको दो लाइव सेशन मिलते हैं जहाँ पर आप हमसे 1-to-1 बोल के मैसेज करके जो भी आपको पूछना हो, जो भी पूछना हो, जो भी जैसे बात करनी हो, आप वहाँ पर लाइव सेशन के दौरान कर सकते हो। थोड़ा सा क्वेश्चंस आपके उठाते हैं जो बहुत बार बार पूछे जाते हैं कि ऑलरेडी डन सो मैनी कोर्सेस, क्या ये कोर्स आपके लिए काम करेगा। देखो गाइज यही बात है जो आप लोगों को समझनी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा लर्न करने के चक्कर में मत पड़ो, आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो एक्चुअल में काम करती है। बहुत ज़्यादा लर्न करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखने से कोई मतलब नहीं बनेगा, आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए जो एक्चुअल में काम करती है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ इतने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आज से पहले आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि आप हमारी स्ट्रेटजी का पहले रिकॉर्ड देखिए। मैंने आपको डेली इसका रिजल्ट पोस्ट करूँगा। पहले आप मार्केट में चीज़ों को देखो, समझो कि ये क्या ये चीज़ें आपके लिए यूजफुल हैं। जो चीज़ें आप ऑलरेडी कोर्सेस में कहीं से भी सीखे हो, समझे हो, क्या उससे अच्छा एंट्री उससे छोटे स्टॉप लॉस में और उससे बड़े प्रॉफिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर मिल रहा है, देन आपको इसको लर्न करने की ज़रूरत है। अगर आप इससे छोटे स्टॉप लॉस में इससे बड़े प्रॉफिट लेकर जा रहे हो, आपकी एक्यूरेसी हमसे ज़्यादा है, देन इसको ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मोस्टली केस में आप लोगों को इससे अच्छा और इससे सिंपल और इतने छोटे स्टॉप के साथ एंट्री कर पाना और कहीं पर नहीं सिखाया जाएगा।
और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने बहुत ही सारी स्ट्रेटजी को ट्राई किया बट अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ। देखो स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा सीखने से मतलब नहीं है। अब बहुत सारे लोग इस तरह से सीखते हैं कि भाई साहब कोई कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया तो बाई कर लो, कोई कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक हो गया तो सेल कर लो। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं है, ठीक है, आप रैंडमली काम कर रहे हो। जब तक चीज़ें आपकी फिक्स नहीं होंगी कि आज भाई कैंडल अगर ब्रेक हो गया तो आपको बाई ही करना है या फिर कैंडल ब्रेक हो गया तो आपको सेल ही करना है, आपके पास जब तक कोई भी फिक्स रूल नहीं होगा तब तक आप ये मान लो कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, और अंधेरे में जब तक तीर चलाओगे तब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। यहाँ पर जो भी मैं आपको सिखाऊंगा ओनली उसमें बाइंग हो या फिर सेलिंग हो, केवल और केवल आपको मुश्किल से मुश्किल चार ही रूल्स को ध्यान देने हैं, और इन्हीं चार रूल्स को, और वे चार रूल्स फिक्स हैं, चाहे मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो, कुछ भी कंडीशन हो, ये चार ही रूल आपको देखने हैं बाइंग के लिए, चार ही रूल आपको सेलिंग के मिलेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें फिक्स हैं जिससे ट्रेड करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, मार्केट को समझना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है, और इसी के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे खासे आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं नया हूँ मार्केट में, बिगिनर हूँ, क्या मुझे जान करना चाहिए? अगर आप बिगिनर हो और आप एकदम फ्रेश हो मार्केट में तो आपको तो ये ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नए हो बिना सीखे अगर मार्केट में देखो कूदोगे, बिना समझे मार्केट में अगर पैसा लगाओगे आप, तो मोस्टली चांस ये है कि आपका पैसा डूब जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल समझ लो, अगर आप बिना कार ड्राइव किए हुए सीधे सीधे अगर हाईवे पर लेकर निकलोगे तो एक्सीडेंट होने के मोस्ट चांस हैं, इसी तरह मार्केट में भी है। तो इससे बेटर ये है कि आप पहले सीख लो चीज़ों को, उसके बाद मार्केट में अप्लाई करो, ताकि बड़ा लॉस लेने की कभी नौबत ही ना आए। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं आती, क्या ये कोर्स मेरे लिए आसान है समझने में? जी हाँ गाइज, बिल्कुल है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, एकदम सिंपल है, नॉर्मल अगर आपको ब्रोकर चलाना आता है देना भी इसको सीख सकते हो। काफ़ी सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि क्या ये सर स्ट्रेटजी बहुत लंबे समय तक काम करेगा? कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये स्ट्रेटजी आने वाले समय में काम करेगा, 6 महीने बाद काम करेगा। देखो सबसे पहले मैं बात ये बता दूं कि ये स्ट्रेटजी पर मैं खुद लगभग 3 सालों से ज़्यादा काम कर रहा हूं सेम सेटअप पर, ठीक है। और आपको ज़रूरी नहीं है कि आज अगर आप ये स्ट्रेटजी सीख रहे हो कल ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेंगे, वो स्ट्रेटजी ही नहीं होती है जिसकी वैलिडिटी 1 या 2 महीने हो। अगर आपको किसी भी सेटअप से, किसी भी ट्रेड करने का तरीके से अगर 1-1 महीने प्रॉफिट हो रहा है और उसके बाद वो स्ट्रेटजी चली नहीं रही है, देन इसका मतलब ये है कि आप अभी तक सही चीज़ें आपको पता ही नहीं है। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, कोई भी अगर मार्केट में अगर आपको सही टेक्निक पता होगा, देखो मार्केट अपने एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और पीछे से भी करता ही आ रहा है और आगे भी करता ही रहेगा। अगर जिस दिन आप उस मार्केट के बिहेवियर को समझ गए, देन मार्केट कभी भी अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेगा, बस आपको उसे समझना आना चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी हमेशा काम करेगी क्योंकि मैं इस पर खुद ही काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा डाउट लोगों का ये रहता है कि सर ऐसा ना हो कि मैं बहुत जगह कोर्सेज वगैरह किया हूँ, वहाँ पर खुद वो कुछ दूसरा इस्तेमाल करते हैं और हमें कुछ दूसरा सिखाते हैं, क्या हम सेम एंट्री जो आप करते हैं वो कर सकते हैं? क्या हम सेम लेवल्स जैसे मैं निकालता हूँ वैसे आप निकाल सकते हैं? जी हाँ गाइस, बिल्कुल आप निकाल सकते हो। ये कोर्स में मैं वही सिखाता हूँ जो मैं खुद करता हूँ, ठीक है, कि कैसे मैं लेवल्स निकालता हूँ, कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, एकदम सेम टू सेम आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये मानता हूँ गाइस कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लो, उसमें आपको मैं डेली अपडेट देता रहूँगा कि आज मार्केट में हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ, आज मार्केट में कहाँ पर एंट्री बनी, जिससे आप बहुत सारे लोगों को ये बोलता है कि बोलना होता है कि सर इसकी एक्यूरेसी क्या है और इसका ROI क्या है, तो आप लोग खुद उसको देख लेना और उसके अकॉर्डिंग बता लेना कि एक्यूरेसी इस स्ट्रेटजी की कितनी है, हर महीने कितने मिल रही है, ROI कितनी है। देखो मार्केट में कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं होती है, कभी एक्यूरेसी थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, कभी हो सकता है थोड़ा सा कम मिले, ROI हो सकता है कभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मिले, कभी हो सकता है थोड़ा सा कम मिले, बट जब आपके आंखों के सामने प्रॉपर रिजल्ट्स रहेंगे देन आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आपको सीखना चाहिए, देन आप ज्वाइन करो। एंड एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना, ये गाइस मार्केट है, मार्केट में बिना सही चीज़ों को समझे हुए अगर आप बिग कैपिटल लगा रहे हो, बड़ा लॉट ले रहे हो, तो ये मान लो कि आपका पैसा बर्बाद होने वाला है। जल्दी से जल्दी अपना बड़ा कैपिटल मार्केट से निकाल लो, क्योंकि जब तक आपके पास सही जानकारी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि मार्केट से प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, देन आप किस बेसिस पर इतना बड़ा पैसा लगा रहे हो। बहुत सारे लोग लॉस करके आने के बाद बोलते हैं कि सर मेरे को इतना का लॉस हो गया। मेरे भाई आपको कौन बोला था कि मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाओ? पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को। बेटर यही है कि मार्केट में सीख के काम करो, अदरवाइज मार्केट में बड़ा पैसा मत लगाओ। एंड सबसे लास्ट में मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा कि क्या ये इंडिकेटर भी मैं आपको लोगों को दूंगा? तो इसका आंसर है नहीं।
ये इंडिकेटर मैं आप लोगों को नहीं देने वाला हूँ, बिकॉज मैं किसी भी तरह का कोई शॉर्टकट नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको इंडिकेटर के पीछे का पूरा लॉजिक, पूरा कॉन्सेप्ट, कैसे ये काम करता है, वो सब चीज़ें सिखा दूंगा। और ये इतना ज़्यादा ईजी है, इसको कुछ दिनों बाद आप 5 से 10 मिनट में समझ जाओगे कहाँ पर एंट्री आपकी बन रही है। चार्ट देखते ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई साहब यहाँ पर एंट्री बनना है। और इंडिकेटर से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, इंडिकेटर के अलावा भी आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए, मैनेजमेंट करना आना चाहिए, वो सारे चीज़ें भी हम कोर्सेज में पूरा डीप में डिटेल में सिखाते हैं। तो इंडिकेटर, चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हो चाहे अभी आप नया ज्वाइन कर रहे हो, ये सोच कर मत आना कि मैं ये आपको इंडिकेटर प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ की गारंटी रहेगी, जितने भी मैं ट्रेड करता हूँ, जहाँ पर मैं एंट्री करता हूँ, जो लेवल्स मैं निकालता हूँ, जो रूल्स मैं फॉलो करता हूँ, वही सेम टू सेम आपको सिखाया जाएगा।